ओनर जी मैडम, एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स यू आर इनवाइटिंग एनी फ्रेश इन्वेस्टर्स इन योर कंपनी? नो, अभी हमारा HDG डिजिटल गोल्ड कॉइन लॉन्च हुआ है और गोल्ड फिजिकली जो है डोर स्टेप पे मिलता है। अब हमारे बिजनेस का स्कीम होगा, वो कोई इनसिक्योर नहीं होगा। जो भी पेमेंट करेगा उसको गोल्ड का कॉइन उनके घर पे जाएगा। अगर वो चाहता है वैलेट में रख ले तो उसके बैंक वैलेट में उसका गोल्ड रहेगा, वो जब चाहे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकता है। अभी हमने यही स्टार्ट किया है, यही बिजनेस इंशाल्लाह टोटल वर्ल्ड में हम लॉन्च करेंगे। पर एनम मोर देन 50 करोड़, मोर देन 60 करोड़, अलग अलग कंपनी का अलग अलग है। हाँ, डिफरेंस देखो, हो मच करके मैं परफेक्ट नहीं बोल सकती, वो हमारा CA बता सकते हैं। हो मच करके बोल के मेरे अंदाज में जो जो कंपनी का है वो बता सकती हूँ मैं। हमारे कंपनी का CA बताएगा कितना है, क्या है, कब कितना पे किया है, सब कुछ। नहीं, सारे बिजनेसेस का मिलाकर करीब करीब 100 करोड़ के करीब हमने इनकम टैक्स पे किया है। इंडिविजुअल भी पे किया है, उसी में इंडिविजुअल भी उसी में आ जाता है। जो मेरा प्रॉफिट होता है उसमें टैक्स होता है, वो भी इंडिविजुअल भी फाइल करते हैं। और जी, डेटाबेस कहाँ पे है मैडम, आप किसको जाके पूछे? वो लोग, ये हमारा डेटाबेस अभी सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने सबमिट किया है, कि CCS ने FSL को डेटाबेस दे दिया है, उनको चेक करने के लिए दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुम जाके डायरेक्ट FSL से ले लो, क्योंकि CCS को दो बार आर्डर हो गया तो वो नहीं दिए। तो अब क्या बोल रहे हैं, FSL को तुम खुद जाके अपने IT टेक्निकल इंजीनियर्स को ले जाके तुम खुद ले लो। आप गए थे क्या? मैं कल गई थी लेटर लेके SFIO को, उन्होंने कहा है कि टाइम दो और हमारे भी टेक्निकल टीम आ जाएगी। मैंने कहा कि ना आप इनसे कुर रहो ना मैं इनसे कुर रहूंगी, डेटा ओपन होने के वक्त हम दोनों भी रहेंगे। नहीं, हम FSL को जाएंगे SFIO के साथ। अब सब मिलाकर हीरा ग्रुप और SFIO दोनों ही बीच में खड़े हैं, अब कोई भी नहीं। और वो उनको भी फैसला लेना पड़ेगा, और कस्टमर को दरवाजा भी खुला रखा है कि जिनको जाना है वो SFIO के पास जा सकते हैं, जो जिसको भरोसा नहीं हीरा ग्रुप पे वो वहां जा सकते हैं। उन्हों भी देंगे तो कंपनी का पैसा ही देंगे, हम भी देंगे तो कंपनी का पैसा ही देंगे। तो अब आप कोई कस्टमर से बात नहीं? मैं कस्टमर से क्यों नहीं, हर कस्टमर से बात करती हूँ। इवन मेरा 9177772777 का नंबर जो है मैंने कस्टमर को आम दे के रख दिया है। जब भी वो कस्टमर के कितने भी 500 मैसेज भी आते हैं, फ्लाइट मोड में लेके बाद में सबको जवाब दे के ऑन करती हूँ वो नंबर को मैं, क्योंकि मैं कभी भी मेरे कस्टमर का रास्ता बंद नहीं किया। हाँ, मैं मगर उनको नहीं बात करूंगी जिन्होंने एजेंसियों को अप्रोच किए, गंदे गंदे गालियां दिए और रोडों पे खड़े गलत तरीके से फंसाया हीरा ग्रुप को, उनके जरिए से लाखों के लोगों को रोना आया, लाखों के लोगों को उन्होंने रुलाया। मुझे उनसे कोई बात करने की जरूरत नहीं, उन्होंने जहां गए थे उधर से ही उनके पैसे ले ले, मैं जमा कर दी हूँ। उन्होंने यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ हंगामे भी करने की जरूरत नहीं है। आप जाओ, जब मुझे मेरे ऊपर तुमको भरोसा नहीं था वहां तुम गए थे, मैं रेडी हूँ वहां भी पे करने के लिए। आप उधर जो, आप मुझे मत बात करो, वो बात करेंगे मुझे। अम्मा तेरे इतने कस्टमर आए ही, पेमेंट कर, अगर मैं नहीं करूंगी तो सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे। आप सबको पता ही है प्रोसीजर क्या होता है। जी जी, नहीं, क्योंकि हमने अग्रीमेंट लिखा के लिया है कि प्रॉफिट और लॉस में तुम हिस्सेदार हो। जब कंपनी 3 साल से बंद पड़ी है और जब जाके फूडेक्स के हम शोरूम ओपन करते हैं तो पूरा फूडेक्स एक्सपायर हो चुका था। जब टेक्सटाइलों को देखते हैं तो काफ़ी हमारे प्रोडक्ट जो है ये हो गए थे, सिवाय गोल्ड के अलावा जो है काफ़ी चीज़ें हमारे डिस्ट्रॉय हो गए। मगर हमारे कस्टमर ने साइन किया है नफ़े नुकसान पर हिस्सेदारी, मगर कंपनी उसको भी अपने सर पर लेती हुई कस्टमर को कही है कि जो भी तुमको पेमेंट मिला है उसको काटते हुए बाकी का पेमेंट हम तुमको सेटल कर देंगे। जो लोग जाना चाहते हैं उनको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, इंटरेस्ट तो ना हम कभी दिए थे, ना कभी देंगे, ना कभी लेंगे, ना आगे भी। इंटरेस्ट से हमारी अग्नेस्ट लड़ाई है,
हम इंटरेस्ट देते भी नहीं लेते भी नहीं। हीरा ग्रुप का ना कोई प्रॉपर्टी, ना कोई एक छोटी सी गाड़ी, ना कोई एक छोटी सी चीज इंटरेस्ट पे नहीं ली गई है। ना हम इंटरेस्ट लेंगे, ना हम इंटरेस्ट देंगे। कस्टमर को भी कभी इंटरेस्ट का वादा नहीं किया था, बिजनेस का वादा किया था कि बिजनेस में कमाएंगे तो 60-40 रेशो रहेगा हमारा, यानी 100 रुपीज कमाई होगी तो 60 कंपनी लेगी, 40 आप लेंगे। जब मैं कमाई ही नहीं, मैं अंदर चली गई और बाकी के सारे चीजें इन्होंने आकर खामखा लाख कर दिए। अगर खुले तो रखते तो कम से कम 50% हमारा बिजनेस होता था। सब लॉक कर दिए, बंद कर दिए, ब्लैक बोर्ड लगा दिए, बहुत कुछ कर लिया है। अभी वापस क्या करते मैडम, प्रिंसिपल करते हैं? अभी नुकसान का तो मैंने फाइनल नहीं किया है कि कितना नुकसान हुआ। जो भी नुकसान होगा वो कंपनी ही भरेगी और कस्टमर पे हम वो नुकसान अंदाजा भी नहीं बोल सकती मैं। मेरा सोच वही है कि जो लोग अभी विड्रॉल ऐसे हालत में ले ले ही, उनको हमने पहले जो भी पैसा दिया था उसको काट करके बाकी का पैसा देंगे। जो लोग साथ ही उन्होंने प्रिंसिपल के साथ हमारे साथ कंटिन्यू है, उनके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बिजनेस करेंगे, उसके बाद उनको प्रॉफिट्स भी देंगे, उसके बाद उनको प्रिंसिपल भी देंगे। थोड़ा टाइम मुझे मिल जाएगा सारा बिजनेस चलने का, तो फिर वो इंसाफ की बात है। नहीं, जो नहीं करना चाहे उनका प्रिंसिपल तो वापस ही है ना। अगर आप 50,000 लिए तो बाकी के 50 कंपनी दे रही है तो प्रिंसिपल ही हो गया। अगर आपने 1,00,000 दिया है कंपनी को, 50 तुमने ऑलरेडी लिए ही, तो बाकी के 50 देना तो तुम्हारा प्रिंसिपल ही है। वो तो कंपनी अच्छी करती है तो प्रॉफिट ही होगा। जब कंपनी डूब गई तो फिर आप क्या करोगे? जब कंपनी इतने साल बंद हो गई, कुछ भी नहीं चला, तो तुम्हारा प्रिंसिपल तो मिल रहा है। शुक्र अदा करो, मैं विजय माल्या के जैसा, नीरव मोदी के जैसा और भी बहुत सारे लोगों के जैसा भागी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे सामने बैठ के जवाब देती हूँ, उनको भी बात कर रही हूँ जो तुम्हारे कस्टमर हैं। शुक्र अदा करो। देखो, एक बात है कि वो हमारे कस्टमर का हमारा मामला है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपा अभी हमको जाना नहीं है, हमको तुम्हारे साथ ही रहना है, तो उनको प्रिंसिपल ही है ना, उनको कुछ भी नहीं करूंगी। उनका कंपनी में पेमेंट भी कंटिन्यू है, बिजनेस भी कंटिन्यू है इंशाल्लाह। ऐसे कुछ नहीं, कुछ लोग हैं ऐसा हरास किए ही जी। कुछ नहीं, हम क्यों डराएंगे, हम सच बोल रहे हैं। कस्टमर ने हमें अंदर किया जब तुम्हें फिकर नहीं आई, कस्टमर ने हमें 2.5 साल अंदर बिठाया जब तुम्हें फिकर नहीं आई। अभी बहुत फिकर आ गई आप लोगों को कस्टमर की। हाँ, कभी तुमने कहा कि एक औरत को 2.5 साल अंदर रखे, क्यों रखे? कभी तुमने आवाज उठाया कि एक औरत सच्ची औरत थी, एजुकेशनल चलाती है, बच्चों को पढ़ाती है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीती है, ये जुबान उठाइए। ये कस्टमर तुमको जो दिमागों में डाले ही ना, कस्टमर कस्टमर, इनका एक बार बैंक का स्टेटमेंट निकाल लीजिए। 20 साल से जो कस्टमर है ना, 1,00,000 के 5,00,000 खाया है, उसको बोलो 2.5 लाख वापस देने के लिए। नहीं नहीं नहीं, देखो नहीं, कस्टमर बोले तो 25 कस्टमर के साथ मत रहो, जो लाखों की ही उनके साथ भी तो रहो। नहीं नहीं, वो लोगों के साथ रहते हैं, आप तो अभी बस सब मेरे साथ है, पूरा हीरा ग्रुप मेरे साथ है। 1,00,000 का कस्टमर रहते हैं, 10,000 का कस्टमर रहते हैं, बिल्कुल, तो कस्टमर के साथ रहो। मैं ही मेरे कस्टमर के साथ हूँ, मैं उनके ही लिए लड़ती हूँ, तुम सबसे ज्यादा।